एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, उन्हें खांसी लगी हुई थी, परंतु उनको आदत थी खट्टा दही, खट्टा लस्सी, खट्टा अचार और इसी प्रकार की वस्तुएं खाने की। जिस वैद्य जी के पास जाते वह कहता, ये वस्तुएं खाना छोड़ दो, उसके बाद ही चिकित्सा हो सकती है। अंत में एक वैद्य जी मिले, उन्होंने कहा, मैं चिकित्सा करता हूँ, आप जो खाएं खाते रहिए। वैद्य जी ने उन्हें औषधि दी, ये सेठ जी खट्टी वस्तुएं खाते रहे। कुछ दिन के पश्चात मिले तो वैद्य जी से बोले, वैद्य जी, खांसी बड़ी तो नहीं परंतु कम भी नहीं हुई। वैद्य जी ने कहा, आप मेरी दवाई खाते रहिए, खट्टी चीजें भी खाते रहिए, इससे 3 लाभ होंगे। सेठ जी ने पूछा, कौन कौन से? वैद्य जी बोले, पहला यह कि घर में चोरी नहीं होगी, दूसरा यह कि कभी कुत्ता आपको नहीं काटेगा, तीसरा यह कि बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। सेठ जी ने पूछा, कैसे? तो वैद्य जी ने उत्तर दिया, खांसी हो और खट्टी वस्तुएं खाते रहिए तो खांसी कभी भी अच्छी नहीं होगी। दिन में खांसोगे तो रात में भी खांसोगे, तब चोर कैसे आएगा, और खांस खांस कर हो जाओगे दुर्लभ, लाठी के बगैर उठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, हर समय हाथ में लाठी ही रहेगी तो कुत्ता कैसे काटेगा, और दुर्बलता के बगैर मर जाओगे, यौवन में ही तुम बुढ़ापा आ जाएगा। सेठ जी को तो बात समझ में आ गई, परंतु प्राय हमें समझ नहीं आती। इस चटोरी जीभ के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, किस प्रकार नाश करते हैं, सबसे बढ़कर मानवता खो बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना बंद करके लगातार व्रत रखना आरंभ कर दें। वैसे कभी कभी व्रत रखें तो अच्छा है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और मन भी। वैसे सीमित खाने, ऋतु अनुकूल खाने और शरीर माफिक खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। आयुर्वेद तो कहता है, भूख से आधा खाओ, पेट का 1/4 भाग पानी के लिए और 1/4 भाग हवा के लिए हमेशा खाली रखो।